रोटियों का चमत्कार। आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जयशु। आज हम मनन चिंतन कर रहे हैं उन सभी लोगों के बारे में जो प्रभु यीशु के पास आया करते थे, उन सभी लोगों के बारे में जो प्रभु यीशु के पीछे पीछे दौड़ कर जाया करते थे। हम देखते हैं कि प्रेरितों ने ईसा के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सिखलाया है। तब ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो। प्रभु यीशु जानते थे कि उन्हें उनके शिष्य जब गए प्रभु के नाम को लेकर प्रचार करने लगे, कार्य करने लगे, चमत्कार दिखाने लगे और वे बहुत थक गए थे, और उसके बाद वे प्रभु के पास आते हैं और प्रभु को बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। तब प्रभु उनसे कहते हैं कि तुम थक चुके हो, तुम्हें कुछ विश्राम की ज़रूरत है। और प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि तब ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो। प्रभु जानते थे कि वे थक चुके थे, इसलिए प्रभु कहते हैं कि मेरे साथ चले आओ। हम उस स्थान जाते हैं जहाँ कोई हमें डिस्टर्ब न करे, किसी प्रकार की बाधा ना हो, वहाँ पर जाकर थोड़ा विश्राम करें ताकि हम दूसरे दिन और उत्साह के साथ कार्य कर सकें। जी हाँ, कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन के उन सभी क्षणों को याद करें जहाँ पर हम बहुत व्यस्त रहे हैं। आज के समय में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत व्यस्त हैं, बहुत सारी चीज़ों में व्यस्त हैं। कुछ आवश्यक है, कुछ अनावश्यक है, लेकिन वे व्यस्त हैं। वे कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है कि अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बूढ़े माता पिता के साथ बैठकर बात करें। तो इस तरह का जीवन जब हम जी रहे हैं तो इस जीवन का उद्देश्य क्या है, या जीवन हम क्यों जी रहे हैं, इस पर हमें मनन चिंतन करना चाहिए। जिस तरह से प्रभु अपने शिष्यों को कहते हैं कि थोड़ा विश्राम करें, विश्राम करने का अर्थ या अभिप्राय यहाँ पर यही है कि हम प्रभु की शरण में रहें, प्रभु यीशु के साथ रहें, प्रभु के प्रेम में बंधे रहें। प्रभु उनसे विश्राम करने के लिए कहते हैं क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने का भी कोई फुर्सत नहीं होती थी, इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वे कहाँ जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही दौड़ पड़े और उनसे पहले पहुंच गए। लोगों की इच्छा थी उन्हें देखने की, उनकी बातों को सुनने की, उनके हाथों को छूने की, क्योंकि प्रभु यीशु को देखकर उन्हें ऐसा लगता था कि उनका राजा आ गया है, जो उन्हें मुक्ति देने वाला है, जो उन्हें शांति देने वाला है, जो उन्हें प्रेम देने वाला है। जी हाँ, कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, वे जानते थे कि प्रभु यीशु का कहना समुद्र की लहरें भी मानती हैं, प्रभु यीशु का कहना मृत्यु भी मानती है, और प्रभु यीशु का कहना हर प्रकार की बीमारी भी मानती है, और प्रभु सभी को चंगाई देते हैं। प्रभु यीशु मृत्यु के खाट पर लेटे हुए व्यक्ति को भी जिला देते हैं। जी हाँ, कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, इसलिए लोग नंगे पांव ही उनके पीछे दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वे पहुंच गए। ईसा ने नाव से उतरकर एक विशाल जन समूह को देखा, उन्हें उन लोगों पर तरस आया। प्रभु यीशु को तरस आया। प्रभु यीशु जानते थे कि ये भटकी हुई भेड़ें हैं, इसलिए प्रभु यीशु को उन पर तरस आया क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थी, और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। और प्रभु उन्हें बहुत सारी शिक्षा देने लगे। हमें भी प्रभु की बातों की शिक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास प्रभु का यह बाइबल है, ग्रंथ है, प्रभु के वचन है, हमें
विशेष रूप से प्रभु के साथ में मिलकर कार्यों को करने की जरूरत है, ताकि हम निरंतर प्रभु के वचनों को पढ़ते हुए अपने जीवन को प्रभुमय बना सके। ईश्वर आप सभी को आशीष दे, प्रेम दे, अपने घर में, अपने परिवार में हर दिन बाइबल के वचन को पढ़े। ईश्वर आप सभी को अनुग्रह और प्रेम प्रदान करे। आमीन।